जैसा कि आप सभी का एग्जाम जो है कल है हिस्ट्री का, और आज हम लोग वायरल प्रश्न को देखेंगे। तो आज इस वायरल प्रश्न का एक इंटरमीडिएट का एक क्वेश्चन पेपर भी मैं लेकर आया हूं, पूरी तरीके से इसको देख लीजिएगा ना। तो यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप 100% इस वीडियो को देखना है क्योंकि ये वायरल प्रश्न है। पूरी तरीके से इस वीडियो को देख करके उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रश्न यहाँ आने वाला है और क्या प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बता रहा है। कहां से सूती कपड़े के शार्क्स मिले थे, तो यहां पर राइट आंसर क्या है, एक नंबर का राइट आंसर। तो यहां पर जो हमारा एक नंबर का बी नंबर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, हरप्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो हरप्पा सभ्यता का आकार कैसा था, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी त्रिभुजाकार था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 3 नंबर का, सी नंबर। अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं या फिर आप लोग जो अच्छी तरीके से सारा सब्जेक्ट का जो तैयारी क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो 4 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है। तो लोथल जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या है, सी नंबर जगह, यानी गुजरात में अवस्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कालीबांगन किस राज्य में अवस्थित है। तो कालीबांगन जो किस राज्य में अवस्थित है, इसका राइट आंसर सी नंबर, राजस्थान में अवस्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, और जो स्टूडेंट अगर पढ़ चुके तो वो रिविजन कर लीजिए, क्योंकि 100 प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों ने पहली बार देख चुका होगा, पहले जो देख चुके होंगे, और ऐसा ऐसा प्रश्न यहाँ पर है जो आप लोग पहली बार भी देख सकते हैं। 7 नंबर देखिए, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका 7 नंबर राइट आंसर क्या है, ए नंबर जो है लोथल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो यहाँ पर 8 नंबर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी वेगजा कोई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आप लोग जो है bbphelp.com जाकर के जल्दी जल्दी सर्च कीजिए, या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ये पीडीएफ आप लोगों को सारा चीज़ जो मिल जाएगा, वहाँ पर से डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ पर 10 नंबर का देखते हैं क्या हो रहा है, मेगास्थनीज किसका राजपूत था। तो यहाँ पर 10 यानी 10 नंबर का राइट आंसर क्या जाएगा, तो यानी आपका सारा ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को आंसर देने में काफ़ी ईजी हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा, सिल्यूकस निकेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया है। तो गया था, तो यहाँ पर 11 नंबर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अशोक द्वारा जारी किया गया था। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो इसका राइट आंसर 12 नंबर का क्या सी नंबर हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ से आप लोग को सारा चीज मिल जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेगी अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, बिंदुसार। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया। तो यहाँ पर किस शासक को कहा था, 14 नंबर का राइट आंसर ए नंबर अशोक को कहा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए ये क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन जो किस अभिलेख में किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी 13वें अभिलेख में किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर जो कह रहा है कि चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया। तो चीनी यात्री फैयान जो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 16 नंबर का, 16 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख का साक्ष्य जो मिला था वो कहाँ से मिला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी ईरान में मिला था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाणभट्ट किस शासक के दरबारी में थे। तो बाणभट्ट जो थे किस शासक के दरबारी में थे, तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था। तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का राइट आंसर डी नंबर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त। चलिए तो 20 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचतंत्र किसकी रचना है। तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर सी नंबर जगह विष्णु शर्मा हो जाएगा। ठीक है, विष्णु शर्मा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो 21 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कुमार गुप्त हो जाएगा। ठीक है, कुमार गुप्त। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो जगह 22 नंबर का क्या जगह, यानी गुप्तकाल को यानी भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल माना गया है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताया, करें कि
रामायण की रचना किसने की थी, तो रामायण की रचना की थी वो किसने की थी, ए नंबर यानी वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। चलिए 24 नंबर कह रहा है कि गांडीव क्या थी, तो गांडीव जो थी क्या थी, इसका राइट आंसर क्या था, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं इसका। तो 24 का राइट आंसर सी नंबर रहेगा, यानी अर्जुन का धनुष का नाम गांडीव था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था, तो अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी अर्जुन नाम था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला, 26 नंबर कह रहा है कि पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहां थी, तो पांडवों के नए राज्य की राजधानी जो थी वो कहां थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को 26 का जवाब देना, तो बी नंबर देगा, यानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 27 नंबर कह रहा है कि कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे, तो यहां पर 27 का राइट आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आप लोग को जल्दी से जवाब देने इसका। चलिए बहुत बढ़िया, तो 27 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं, बी नंबर हो जाएगा, यानी द्रोणाचार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गीता में क्या उपदेश दिया गया था, तो गीता में यानी क्या उपदेश दिया गया था, तो इसका 28 नंबर का राइट आंसर जो है क्या, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, तो 28 का राइट आंसर डी नंबर, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है दिया गया है। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कि गौतम बुद्ध किस काल से संबंधित थे, यानी किस स्कूल से संबंधित थे, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का बी नंबर, यानी ज्ञात्रिक हो जाएगा। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल से, तो इसका राइट आंसर सॉरी इसका क्या हो जाएगा, यानी शाक्य कुल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, शाक्य कुल। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 30 नंबर कह रहा है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो प्राचीनतम वेद कौन सा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला, 31 नंबर कह रहा है कि किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए सी नंबर हो जाएगा, यानी अर्थवेद, अर्थवेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, किस वेद में, वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है, तो 32 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी नंबर जाएगा, यानी समावेद। ठीक है, समावेद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, वैदिक समाज कैसा था, तो वैदिक समाज कैसा था, तो इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी पित प्रधान था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 34 नंबर, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहां से मिलती है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी पुरुष सूक्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो कितनी है, तो 35 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 10 क्या जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया गया था, तो 36 का राइट आंसर क्या, डी नंबर, यानी दयाशाला चलाया गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि भारत में तंबाकू का खेती जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो इसका 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो इसका 38 नंबर आंसर ए नंबर, अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, तो सेम इसका विपरीत, यानी उसका, यानी अकबर का बेटा जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या किया था, यानी बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में संपूर्ण हुआ था, यानी पूर्ण हुआ था, पूरा हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, जी हाँ। अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बैरम खां। ठीक है, बैरम खां हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हिमायू नामा किसने लिखी थी, तो हिमायू नामा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, तो इसका 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, तो 42 का राइट आंसर बी नंबर, नहीं गुलबदन बेगम ने हिमायू नामा को लिखी थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर क्या है, आंसर देना फटाफट से, यहाँ पर राइट आंसर 15 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1576 में हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो 44 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी ग्वालियर में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि नंबर हमारा क्या है, 45 नंबर, कह रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था, तो यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जहांगीर के काल में जो, यानी चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लोदी वंश का यानी अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका 46 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी इब्राहिम लोदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था? यानी तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, 47 राइट आंसर डी नंबर ने अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि इक्तदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इक्तदारी प्रथा की शुरुआत की थी वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी इल्तुतमिस ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संजीदा एवं पाइबोस किसने शुरू किया था? तो 49 नंबर कहने से ए नंबर हो जाएगा, नहीं बलबन ने शुरू किया था, बलबन ने। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 50 नंबर कह रहा है कि लॉ एवं रक्त नीति की शुरुआत किसने की थी? तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर में क्या बोला जा रहा है, यानी बलबन ने शुरू की थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 नंबर बोला जा रहा है बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी? तो 51 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1526 में रखी थी। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि 52 नंबर कह रहे कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? तो 52 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी निकितन और नूनीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 53 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी हम्पी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? तो 54 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, वीर साहब लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, बस बनना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, किसने कहा था ना मैं काबा हूँ ना ही मैं कैलाश, डैश भगवान हरे सांस की सांस में है, किसने कहा था? तो 56 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, कबीर ने कहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, सूरदास बैजू बाबरा तथा रामदास किसके काल में थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 57 का ए नंबर यानी अकबर के काल में थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? तो इसका 58 का राइट आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं। चलिए बी नंबर जाएगा, यानी बायजीत हो जाएगा। ठीक है, बायजीत। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर जो हमारा 59 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी चैतन्य महाप्रभु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोला जा रहा है, कृष्ण को किस संत ने अपना पति मानती थी? तो कृष्ण को अपना जो पति यानी किस संत ने मानती थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, मीराबाई जो कृष्ण को क्या मानती थी, यानी अपना पति मानती थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फ्रांसवा बेरनियर किस देश का रहने वाला था? तो यहाँ पर 61 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि फ्रांसवा बेरनियर को पेशा क्या था? तो यहाँ पर 62 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या बोला जा रहा है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होने इस क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए दरबार में भारत आया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जो है 63 नंबर का, चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर यानी शाहजहाँ के काल में आया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि 12 इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत है? तो यहाँ पर 64 नंबर का राइट आंसर क्या, सी नंबर हो जाएगा, यानी बर्नियर का है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि रेला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, इब्न बतूता ने लिखी थी। चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 66 नंबर कह रहा है कि किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? तो राइट आंसर क्या, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को क्या बनाया था, यानी बंदी बना लिया था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, दारा शिको किसका पुत्र था? तो दारा शिको जो किसका पुत्र था, तो 67 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, तो 68 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी वेनिस का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घुमक्कर, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है, 69 नंबर कह रहा है कि घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर जो 69 नंबर कहते हैं सी नंबर जगह राहुल संकेत्यानंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 70 नंबर कह रहा है कि किस विदेशी यात्रा को हीरों की खानों में रुचि थी? तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर क्या, बी नंबर टॉरनियर राइट आंसर क्या, टॉरनियर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक होता था, तो कौन होता था? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा ए नंबर हो जाएगा, किसान होता था। ठीक है, क्या होता है, किसान होता था। चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा 72 नंबर क्या हो जा रहा है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय
कौन था? तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी पुर्तगाली था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब शुरू हुई थी? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन जरूर जांच करना है और टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। अब यहाँ देखिए, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया? तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी क्लाइव ने शुरू किया था। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि अंग्रेजों ने अपनी पहला जो फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर का, क्या फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं, तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर यानी सूरत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 76 का राइट आंसर सी नंबर जगह, यानी 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी फैक्ट्री का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 77 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी गोदाम। ठीक है, गोदाम। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, तो 77 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर भी होना चाहिए, गोदाम, बट इसका राइट आंसर आप लोग इसका जो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, यानी फैक्ट्री का अर्थ जो होता है वो कारखाना होता है, बट यहाँ पर गोदाम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर में क्या है हमारा, सर्वेक्षक, तो सर्वेक्षक था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि किसी राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, तो किस राज्य को मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 नंबर का, तो 79 का राइट आंसर सी नंबर, अवध को मिलाया गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? तो 80 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1869 में खोला गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर क्या, सी नंबर हो जाएगा, नहीं, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो यहाँ पर 82 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्या जाएगा, डिजराइली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मुंबई में अटैक, यानी एटेक इसका पूरा नाम जो है ATC हो जाएगा, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर ए नंबर, यानी 1829 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जा रहा है, ब्लैक हॉल घटना किसकी देन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका एंड सी नंबर ने क्या जाएगा, हेल हॉल वेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है कि भारत का सरताज किसे कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी मुंबई को भारत का सरताज कहा गया है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या हो जा रहा है, 87 नंबर, महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसे है? तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 87 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या हो जा रहा है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन, यानी किसान आंदोलन था, कौन सा था? इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर जो हमारा 90 नंबर का आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, पामरस्टन हो जाएगा। ठीक है, पामरस्टन। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर क्या ए नंबर हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, द्वितीय। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी 23 मार्च 1931 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, 94 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 94 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 1920 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। सही, चलिए तो यहाँ पर एक मिनट गड़बड़ा गया है, तो राइट आंसर 1920 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खलीफा कौन होते थे? तो खलीफा जो कौन होते थे, तो 95 का राइट आंसर ए नंबर, यानी मुस्लिम धर्मगुरु होते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर ए नंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या, 97 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी मदन मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर सिराज गोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा के गठन का गठन किस योजना के तहत किया जाता है? तो किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या 99 का राइट आंसर, यहाँ पर देख लेते हैं सारा प्रश्न का आंसर, कैबिनेट मिशन, राइट आंसर क्या डी नंबर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न देखते क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग को देना है, फर्स्ट का और लास्ट का आप लोग को इसका जवाब देने हैं, और इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर सबसे पहले गूगल में ना, गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, उसके बाद सर्च कर देना है। देखिए पूरी तरीके से अगर लिख लीजिएगा ना इस तरीके से, देखिए आप लोग को क्या लगेगा, bbphelp ही गूगल में लिख दीजिएगा, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को यहां पर पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका हिस्ट्री का दिया हुआ है, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिया है, ठीक है। फिर नीचे करते जाएंगे, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं नीचे करते जाना है, आप यहाँ पर सब्जेक्ट नेम देख लीजिएगा और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब मान लिए मुझे होम साइंस के पढ़ने हैं, तो होम साइंस के सामने में लिखा हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, तो यहीं पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, क्लिक करके फिर यहाँ से खोल लेना है। खोल लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए नीचे में कि यहाँ पर देखिए होम साइंस का आप लोगों को 5 मॉडल पेपर मिल जाता है। अब मान लिया मुझे एक मेरे फर्स्ट मॉडल पेपर को पढ़ना है, तो डाउनलोड के बटन में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डाउनलोड के क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद, जब पढ़ लीजिएगा सारे यानी प्रश्नों को, फिर आप मान लिया दूसरा मॉडल पेपर को पढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा आ जाएगा दूसरा मॉडल पेपर के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस फिर से आ जाएगा दूसरा मॉडल पेपर के सामने, तो यहाँ पर आप लोग दूसरा मॉडल पेपर कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने पढ़ लीजिएगा। तो देखिए अगर आप पढ़ लिया हो जाएगा, अगर आप लोग का इस तरह का अगर ऐड वगैरह आएगा इंस्टॉल करने का, ठीक है, यहाँ पर अगर ऐड वगैरह आ जाएगा यानी इस तरह का, तो एक बार आप लोग क्लिक करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए।